नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे उत्तराखंड डीएलएड प्रीवियस ईयर पेपर जो हुआ था 4 दिसंबर 2020 को। इस वीडियो से पहले हमने यहाँ पे 2022 वाला पेपर भी सॉल्व करा रखा है, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आज हम यहाँ पे 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 50 नंबर का जीके का और 50 टीचिंग एप्टीट्यूड। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत का मूल नाम क्या था? तो वन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत का मूल नाम था जय संहिता। क्वेश्चन नंबर टू है, सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, तो टू का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मुंबई CST यानी कि मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, यहाँ पे निम्नलिखित में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो देखो ऑप्शन ए है यहाँ पे, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था? 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। और इसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था, और इसका लक्ष्य था भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना। ऑप्शन बी है यहाँ पे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को, ठीक है। और इसका नेतृत्व भी किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। सी है यहाँ पे, खेड़ा सत्याग्रह। जो खेड़ा सत्याग्रह है दोस्तों, इसका नेतृत्व भी महात्मा गांधी जी ने किया था, और ये कब शुरू हुआ था? 1918 को शुरू हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। और ऑप्शन डी है, बारदोली सत्याग्रह। तो तीन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था, बल्कि ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और ये एक कृषि आंदोलन था, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है यहाँ पे, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे आप इसको ऑप्शन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फोर के, तो फोर का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, ठीक है, 3 4 1 2। देखो सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, ठीक है, 1885 में होती है कांग्रेस की स्थापना। फिर मिंटो मार्ले सुधार लाया गया 1909 में। तीसरा है, साइमन कमीशन भारत पहुंचता है 1928 में। और लास्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन ये होता है 1942 में, ठीक है। तो 3 4 1 2 किस में है? ये है आपका ऑप्शन बी में, ठीक है। तो चार का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर फाइव है, केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में। तो फाइव का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उड़ीसा में जो कोणार्क मंदिर है इसका निर्माण कराया था दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर सात है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था? तो मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन रहता था? लोक आचरण अधिकारी। तो सेवन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों उत्तराखंड डीएलएड के लिए हमने आपके लिए एक ईबुक बना रखी है, जिसमें आपको 10 प्रैक्टिस सेट और साथ ही साथ उत्तराखंड प्रीवियस ईयर के पेपर भी देखने को मिलेंगे। इस ईबुक का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या सीधे गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in, तो सबसे ऊपर आपको डीएलएड की ईबुक देखने को मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर आठ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो आठ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर नौ है, सही युग्म को चुनिए। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे महाबलीपुरम। महाबलीपुरम कहाँ स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु में स्थित है।
और इसकी स्थापना या इसका निर्माण किसने किया था? नरसिंहवर्मन प्रथम ने, जो कि पल्लव वंश के थे, तो इसलिए ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी है यहाँ पे एलोरा कंदराई या एलोरा गुफाएं, ठीक है, इसका निर्माण किसने किया था? राष्ट्रकूट वंश के द्वारा किया गया था, तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। सी है खजुराहो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो खजुराहो मंदिर है दोस्तों, इन मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं के शासकों द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और डी है मीनाक्षी मंदिर, जो मीनाक्षी मंदिर है ये भी तमिलनाडु में स्थित है, इसका निर्माण कुलशेखर पांड्यन द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, जिस ब्याज पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को सामान्य क्रियाओं हेतु ऋण देता है उसे कहा जाता है, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बैंक दर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? तो मानवीय विकास सूचकांक तीन कौन कौन से दोस्तों, एक है जीवन प्रत्याशा, दूसरा है शिक्षा और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय, तो यहाँ पे कौन यहाँ पे गलत हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये तीनों क्या है, क्या है, ये तीनों मानवीय विकास सूचकांक के तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सकल राष्ट्रीय उत्पाद में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करेगा? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनियोग में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। और अगर बात करें, ये तो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, और भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों अहमदाबाद को, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक सकती है? तो नमी को रोकने वाली मृदा कौन है दोस्तों? ये है काली मिट्टी, ठीक है। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बड़ा निकोबार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पे क्या करना है, मिलान करना है, कौन सी योजना किस नदी पर स्थित है? तो आप यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हैं इसको, तो 16 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 2, 4, 3, 1, क्योंकि देखो जो यहाँ पे शिव समुद्रम, तो ये कौन सी नदी पे स्थित है? कावेरी नदी पे, ठीक है। दूसरा है नागार्जुन सागर, तो नागार्जुन सागर है कृष्णा नदी पे। सी है यहाँ पे जायकवाड़ी, जो जायकवाड़ी है ये गोदावरी नदी पे। और लास्ट है यहाँ पे टिहरी, तो टिहरी जो योजना है ये भागीरथी नदी पर स्थित है। तो देखो ए का है 4, ठीक है, ए का यहाँ पे 2 है, तो ए का 2 है, बी का यहाँ पे 4 है, सी का 3 है और डी का 1 है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू जी। और 18 है, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था और किसने करवाया था और कहां से शुरू हुआ था? तो देखो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1959 को ये शुरू हुआ था। और कहां से शुरू हुआ था ये? तो ये हुआ था दोस्तों राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव से शुरू हुआ था, और उस टाइम तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे, और उन्होंने ही ये शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था दोस्तों 42वें संशोधन द्वारा। तो 42वें संशोधन कब हुआ था ये? 1976 में तीन शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से थे वो? एक था समाजवाद, दूसरा था अखंडता और तीसरा था पंथ निरपेक्ष, ठीक है, तो इनको भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? तो ये किया जाता है लोकसभा में, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑपरेशन क्लीन आर्ट है, तो ये क्या है दोस्तों, तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नेवलों के बालों के गैर कानूनी व्यापार पर नियंत्रण का अभियान। ये क्या है, एक ये अभियान है, और ये किसके द्वारा चलाया गया था, WCCB, ठीक है, WCCB यानी कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो द्वारा ये चलाया गया था। ये करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन दोस्तों, और डीएलएड में 10+ करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। ये 2020 का पेपर है, तो इसमें 2019 और 20 का पूछा गया, और जो अब 2023 में डीएलएड का पेपर होगा उसमें 2021 एवं 2022 का पूरा वार्षिकांक करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। और अगर आपको ई बुक चाहिए इसकी, तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप 2021 और 22 संपूर्ण जो करंट अफेयर्स है वो एक बुक से ही पढ़ सकते हैं, तो उस ई बुक को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, ये भी करंट अफेयर्स से पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन ए, जीसी मुर्मू, यानी कि ग्रीष चंद्र मुर्मू इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 है, कपास का मुख्य घटक क्या है, तो कपास का जो प्रमुख घटक है वो है सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 25 है, वर्णांध व्यक्ति यानी कि कलर ब्लाइंडनेस जो है ये किन रंगों में भेद नहीं कर सकता, तो ये नहीं कर सकता दोस्तों रेड और ग्रीन में, ठीक है, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल एवं हरा। क्वेश्चन नंबर 26 है, सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं, तो 26 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं सर्वाधिक धात्विक खनिज, कौन कौन से हैं, जैसे लोह हो गया, अयस्क, तांबा, ये सभी पाए जाते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। क्वेश्चन नंबर 27 है, गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों, तो 27 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रिहंद बांध परियोजना में स्थित है। और जो गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील है दोस्तों, ये कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है, और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, यहाँ पे सैटेनिक वर्सेज नामक पुस्तक, ये एक उपन्यास है, इसके लेखक हैं, तो 28 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इसके लेखक हैं सलमान रश्दी। क्वेश्चन नंबर 29 है, रैयत बाड़ी भूमि लगान व्यवस्था में भूमि पर अधिकार था, तो जो 29 है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कृषक के पास ही अधिकार था, और रैयत बाड़ी भूमि लगान व्यवस्था ये शुरू की गई थी दोस्तों ब्रिटिश काल में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों शिमला में, और अगर बात करें केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की, तो ये स्थित है लखनऊ में, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, ब्रिक्स का 11वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो ये कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों ब्राजीलिया में, तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये भी करंट से पूछा गया है। देखो 11वां शिखर सम्मेलन ये हुआ था कौन से वर्ष, 2019 में, ठीक है, अगर इसके आगे की बात करें 2020 हो गया, 21 और 22 की भी हमको जानकारी होनी चाहिए, तो 11वां तो हो गया, 12वां जो शिखर सम्मेलन है ये हुआ था 2020 में, और कहाँ आयोजित किया गया था, सेंट पीटर्सबर्ग में, और 13वां जो शिखर सम्मेलन है ये कहाँ आयोजित हुआ था, नई दिल्ली में 2021 में, और 14वां जो शिखर सम्मेलन है ये हुआ था दोस्तों 2022 में, और कहाँ आयोजित किया गया, बीजिंग में, तो इन सभी को आप नोट कर सकते हैं। तो 11वां 2019 में हुआ था ब्राजीलिया में, 12वां 2020 में सेंट पीटर्सबर्ग, 13वां 2021 में नई दिल्ली में, और 14वां 2022 में हुआ था बीजिंग में, इन सभी को आप नोट कर सकते हैं।
नंबर 32 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए है दोस्तों, यह संविधान में शामिल 22 भाषाओं में साहित्यिक योगदान हेतु दिया जाता है, तो ये सही है। बी है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था, ये भी सही है। सी है, 2019 का 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम कवि अक्कीथम को दिया गया था, ये भी सही है। और डी है जो, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा के कवि सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में किसको दिया गया था? शंकर कुरूप को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है? तो ऑप्शन ए भी यहाँ पे सही है, बी भी सही है, सी भी सही है और डी यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ध्रुव ज्योति है ये बहिर्मंडल या बाह्य मंडल में देखने को मिलती है। तो 1, 2, 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 है, गौतम बुद्ध के दर्शन से संबंधित विषयों को संकलित किया गया है, तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अभिधम्म पिटक में। क्वेश्चन नंबर 35 है, अंटार्कटिका के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट विंसन का सफल आरोहण करने वाली प्रथम दिव्यांग महिला पर्वतारोही है, तो 35 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अरुणिमा सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 36 है, 22वां फीफा विश्व कप फुटबॉल 2022 का आयोजन होगा, तो 36 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कतर में, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 37 है, नरसिम्हन समिति संबंधित है, तो 37 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है? तो ऑप्शन ए है, पृथ्वी की अक्ष एक वास्तविक रेखा है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो पृथ्वी की अक्ष है ये एक वास्तविक रेखा नहीं है बल्कि एक काल्पनिक रेखा है, तो ए भी गलत हो जाएगा। डी है यहाँ पे वास्तविक, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो 38 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ठीक है, पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 अंश का कोण बनाती है, तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, 26 जनवरी 2020 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये कौन थे दोस्तों? तो 39 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर मेसियस बोल्सोनारो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात थी 2020 की, क्योंकि पेपर भी 2020 में हुआ था। अब 2023 का पेपर है तो उसमें 2021, 22, 23 का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। अगर बात करें 26 जनवरी 2021 और 22 की, तो इसमें 26 जनवरी को कोई भी गेस्ट नहीं थे दोस्तों, किसी भी देश के यहाँ पे कोई भी गेस्ट नहीं थे 2021 और 2022 में गणतंत्र दिवस के समारोह पे, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से नहीं थे। अगर बात करें 26 जनवरी 2023, ठीक है, तो 26 जनवरी 2023 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? वो थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, ये आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस के संक्रमण की शुरुआत किस शहर से हुई है? तो ये हुई थी दोस्तों वुहान शहर से। नंबर 41 है यहाँ पे, वर्ष के प्रारंभ से लेकर अंत तक होने वाली टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं के आयोजन का सही क्रम कौन सा है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42 है, वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट, इसका फुल फॉर्म है, का अर्थ है? तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक राज्य के महाधिवक्ता
और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है इसकी नियुक्ति। तो क्वेश्चन है, एक राज्य के महाधिवक्ता का कार्यालय होता है? तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, निर्धारित नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो 44 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, फर्स्ट और थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। क्वेश्चन नंबर 45 है, सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को हमने सूची सेकंड में सुमेलित करना है। देखो ऑप्शन ए यहाँ पे भारतीय नौसेना, जो भारतीय नौसेना है इसका ध्येय वाक्य क्या है? सा नो वरुणा, तो ए का फर्स्ट हो जाएगा। बी है यहाँ पे डाकतार विभाग, तो इसका जो है ये हो जाएगा आपका फोर्थ। सी है भारतीय वायुसेना, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे थर्ड। और लास्ट है भारतीय थल सेना, जो भारतीय थल सेना इसका हो जाएगा यहाँ पे सेकंड। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड और सेकंड, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 46 है, हवाई जहाज में उपयोग में लाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? 46 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, नारंगी रंग का होता है ये। क्वेश्चन नंबर 47 है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2020 का महिला सिंगल्स खिताब किसने जीता? ये भी पूछा गया करंट से। तो 47 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, सोफिया केनिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह है 2020 की। अगर बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2021 का महिला सिंगल्स खिताब किसने जीता, तो 2021 का जीता था दोस्तों नाओमी ओसाका ने, और 2022 का जीता एसले बार्टी ने, और 2023 का महिला सिंगल्स खिताब जीता था सबालेंका ने। तो इसको भी आप यहां पे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से किसे 17वीं लोकसभा हेतु कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो 48 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सुमित्रा महाजन को किया गया। नंबर 49 है, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? यहाँ पे कूट दे रखा है, तो ऑप्शन ए है या भंग नहीं की जा सकती, तो ये इसका राइट हो जाएगा। बी है इसका कार्यालय 5 वर्ष का होता है, तो ये गलत है क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, तो उसका कोई कार्यकाल भी नहीं होता है, अनंत कार्यकाल होता है किसका? राज्यसभा का। थर्ड है यहाँ पे प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ये भी सही हो जाएगा। और फोर्थ है इसके सदस्य 25 वर्ष नहीं 30 वर्ष से कम के होंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड राइट है और 2 और 4 यहाँ पे रॉन्ग है। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल फर्स्ट और थर्ड। और क्वेश्चन नंबर 50वां है यहाँ पे जीके का, ये लास्ट क्वेश्चन है, 5 से 8 नवंबर 2019 तक 5वीं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, कोलकाता में किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जो डेलर का पेपर है ये हिंदी मीडियम में ही आता है या दोनों मीडियम में आता है? तो देखो ये है 2020 का पेपर, ये केवल हिंदी मीडियम में पूछा गया था, 2021 का भी हिंदी मीडियम में ही पूछा गया था, और अगर आपने 2022 का पेपर दिया होगा या देखा होगा तो वो दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में वो पूछा गया, तो आपका ये डाउट तो हो गया यहाँ पे क्लियर। अगर बात करें डेलर की तैयारी की, तो देखो यहाँ पे 200 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, 50 मार्क्स का पूछा जाता है आपका जीके, जिसमें 8-9 क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं। तो आप जरधारी क्लासेस की प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहां पे इंडियन हिस्ट्री हो या उत्तराखंड हिस्ट्री हो कंप्लीट कराई गई है। 50 मार्क्स का जो जीके है इसमें 8-9 नंबर हिस्ट्री के हो गए, 7-8 नंबर का संविधान आता है, उसकी भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 10-12 नंबर इसमें करंट के पूछे जाते हैं, उसकी ई बुक बनाई गई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और जियोग्राफी हो गया, इसमें कुछ क्वेश्चन इसके आते हैं, कुछ साइंस के, मतलब अगर आप लूसेंट और प्रैक्टिस सेट जो हमारे बना रखे उनको पढ़ दोगे तो जीके हो जाएगा कम्प्लीट। 50 मार्क्स का आता है यहाँ पे रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस करनी है। और जरधारी क्लासेस की प्लेलिस्ट में
इसका एक प्लेलिस्ट बनाई गई है रीजनिंग की, जो जो मेन मेन टॉपिक डीएलएड में पूछे जाते हैं उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है। 50 नंबर की मैथ प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है और लास्ट है यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड। तो ये हम वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे जब तक आपका पेपर नहीं हुआ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 151 है, यदि विद्यार्थी यह न समझे कि कक्षा में क्या पढ़ाया गया है तो शिक्षक क्या अनुभव करेगा। ऑप्शन ए है भारी उबा हुआ, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि शिक्षक का काम है पढ़ाना, वो किस वे में पढ़ा रहा है वो उसकी जिम्मेदारी है, तो वो कभी उब तो बिल्कुल भी नहीं सकता है। बी है यहाँ पे उसे दूसरे तरीके से समझाना चाहिए, हो सकता है। सी है वह व्यर्थ समय नष्ट कर रहा है और विद्यार्थियों के लिए अफसोस, तो 151 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि विद्यार्थी समझ नहीं रहे हैं कि टीचर क्या पढ़ा रहा है तो टीचर का कर्तव्य है वो दूसरे वे दूसरे तरीके में समझाने का प्रयास करेगा। क्वेश्चन नंबर 152 है, शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले गृह कार्य की मात्रा एवं प्रकार का निर्धारण करना चाहिए। 152 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गृह कार्य से उत्पन्न होने वाली अधिगम द्वारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153 है, शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हम जान सकते हैं कि विद्यार्थी कितना बुद्धिमान है। बी है अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया संबोध विद्यार्थी किस प्रकार प्रस्तुत करता है। सी है विद्यार्थी पूर्व वर्ष में किए गए कार्य का कितना भाग याद कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं। 153 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154 है यहाँ पे, जो अध्यापक कक्षा अध्यापन में उत्साही होते हैं उनमें प्रायः विषयों की प्रवीणता का अभाव होता है जो उनके उत्साह के नीचे छिपा रहता है। बी है यहाँ पे वे छात्रों का ध्यान खींचने के लिए केवल नाटकीय रूप दे देते हैं। सी है वे अपने छात्रों का अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया के अंतर्गत कर लेते हैं, और डी है यहाँ पे उनमें उपरोक्त सभी बातें होती है। तो 154 का यहाँ पे राइट आंसर केवल ऑप्शन सी हो जाएगा कि वे अपने छात्रों को अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया के अंतर्गत कर लेते हैं। तो 154 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155 है, प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ना सिखाना हो तो उसका कठिनाई स्तर क्या है। तो उसका जो सबसे कठिनाई स्तर है दोस्तों वो है सरल से कठिन के क्रम में हो, तब वो सबसे कठिनाई स्तर होता है। तो 155 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156 है, सीखने सिखाने के दौरान किए गए आंकलन से शिक्षक को, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, किसी विषय में बच्चे की केवल क्षमताओं की पहचान करने में सहायता मिलती है, क्षमताओं और सीखने में कमी की पहचान करने में सहायता मिलती है। सी है सीखने में कमी की पहचान करने में सहायता मिलती है, और डी है पाठ को याद करने, याद कभी भी जहाँ पे भी ये रटने वाली चीज़ होगी वो आंसर हमेशा गलत होगा। तो जो ये ऑप्शन बी है दोस्तों ये दोनों को यहाँ पे इंक्लूड करा है, ए को भी और थर्ड को भी, तो इसलिए 156 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157 है, व्यापक आकलन का अर्थ है, इसको थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं कि व्यापक आकलन और सतत आकलन क्या होता है सीसीई, ठीक है। बात करें अगर सतत आकलन की, तो सतत आकलन क्या होता है दोस्तों, निरंतर रूप से किया गया आकलन। इसमें बच्चे को टाइम टाइम पर फीडबैक, अर्थात बच्चे को क्लास के दौरान ही बच्चे को फीडबैक दिया जाता है। इसका मतलब होता है सीखने सिखाने के दौरान जो आकलन होता है उसको कहते हैं सतत आकलन। अगर बात करें व्यापक आकलन की, तो व्यापक आकलन में बच्चे का क्या है, सर्वांगीण विकास होता है। इसमें बच्चे की शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों तरीके से बच्चे का मूल्यांकन करना है। शैक्षिक में कक्षा में जो एक्टिविटी हो रही है, कक्षा के अंदर बच्चा जो जो एक्टिविटी कर रहा है उसका असेसमेंट करना, ये तो हो गई शैक्षिक क्रियाविधि। सह शैक्षिक मतलब कक्षा के बाहर बच्चा जो जो एक्टिविटी कर रहा है उसका असेसमेंट करना, ये क्या होता है आपका व्यापक आकलन। व्यापक आकलन में बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास का मतलब बच्चे का शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, मतलब बच्चे का
ऑल डेवलपमेंट ही सर्वांगीण विकास कहलाता है। तो इसलिए 157 का जो राइट आंसर होगा, व्यापक आकलन का अर्थ होता है बच्चे का सर्वांगीण प्रगति के बारे में जानना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 158 है, बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का अर्थ है। तो 150 क्या यहाँ पर 8 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, कि बच्चों के अनुभवों, उनके स्वरों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना ही बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159 है, बच्चों में पारस्परिक तुलना कभी नहीं करनी चाहिए क्योंकि पारस्परिक तुलना से बच्चों में, ऑप्शन ए, हीन भावना जागृत होती है। बिल्कुल सही, बच्चों में कभी भी कंपटीशन नहीं करना चाहिए। एक बच्चे का दूसरे बच्चे से तुलना अगर करेंगे तो बच्चा क्या है, उसके अंदर हीन भावना जागृत होगी। बी है, द्वेष की भावना जागृत होगी, ये भी सही है। सी है, यहाँ पे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। तो जब बच्चे में हीन भावना और द्वेष की भावना हो रही है तो बच्चे में आत्मविश्वास कहाँ से आएगा। तो 159 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, केवल ए और बी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160 है, यहाँ पे एक सृजनात्मक बच्चे यानी कि जो एक क्रिएटिव चाइल्ड है उसकी विशेषता क्या क्या है। तो ऑप्शन ए है, यहाँ पे जो क्रिएटिव बच्चा है उसके में विचार और कार्य में मौलिकता का प्रदर्शन, ये भी सही है। बी है, समस्याओं के प्रति उच्च स्तर की संवेदना, ये भी सही है। और सोचने विचारने का नवाचारी तरीका, जो एक क्रिएटिव जो बच्चा है उसमें ये तीनों जो विशेषताएं हैं ये उसमें इंक्लूड हैं। तो 160 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 1, 2, 3 सभी यहाँ पे क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 161 है, कक्षा कक्ष में बच्चों की धारणा दर बनाए रखने के लिए जरूरी है कि, ऑप्शन ए है, शिक्षक बच्चों को कक्षा में रोज आने के लिए कहे। बी है, कक्षा में उपस्थित न होने वाली विद्यार्थियों को दंड देना। तो दंड एक टीचर विद्यार्थियों को कभी नहीं दे सकता है। अगर कोई विद्यार्थी स्कूल या कक्षा में उपस्थित नहीं हो रहा है, इसमें जो विद्यार्थी है उसका कोई दोष नहीं है, इसमें जो दोष है वो टीचर का है। इसका मतलब टीचर बच्चे की रुचि के अनुसार नहीं पढ़ा रहा है, इसलिए तो बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सी है, यहाँ पे कक्षा में नियमित रूप से एवं बच्चों की रुचि, ठीक है, बच्चों की जो रुचि है उसके अनुरूप शिक्षण करना, यहाँ पे ये सबसे बेस्ट आंसर होगा। इसलिए 161 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162 है, वही व्यक्ति अच्छा शिक्षक बन सकता है जिसका अच्छा अकादमिक रिकॉर्ड हो, जरूरी नहीं। बी है, जो बच्चों को नियंत्रित कर सके। सी है, यहाँ पे उसकी शिक्षण में रुचि हो, वह अपने विषय में पारंगत हो। और डी है, अपने विषय में पारंगत होने के साथ साथ बच्चों को अनुशासित भी जहाँ पे आएगा वो गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन है, 162 का सी है, कि उसकी शिक्षण में रुचि हो और अपने विषय में अगर वो पारंगत होगा तो बच्चों को वो नियंत्रित भी कर सकेगा। तो 162 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं यहाँ पे 163 की ओर, कक्षा कक्ष में जरूरी है कि शिक्षक हमेशा ICT का प्रयोग करें। बी है, यहाँ पे कक्षा में बच्चों को प्रसन्न करने के अवसर दें। तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, कक्षा कक्ष में जरूरी है कि शिक्षक जो कक्षा है उसमें अगर बच्चों को टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है, टीचर भी उसमें एक्टिव है और बच्चे भी आंसर देने के लिए एक्टिव हैं। तो इसलिए 163 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 164 है, मौखिक प्रश्न पूछकर हम बच्चों की किन किन क्षमताओं को जान सकते हैं। तो 164 के आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, सुनने और दोहराने की क्षमता हो सकता है। बी है, सुनने दोहराने व निर्देशों को समझने व उनके अनुसार कार्य करने की क्षमता, तो ए ऑप्शन इसमें इंक्लूड हो रहा है। सी बता रहा है, सही उत्तर बताने की क्षमता व याद, जहाँ पे भी ये रटंती वाला सीन आएगा वो ऑप्शन कभी राइट नहीं हो सकता। और डी है, सही उत्तर बताने, सुनने, बोलने की क्षमता। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट कौन है दोस्तों, 164 का बी आंसर सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 165 है दोस्तों, यदि आपको पता चलता है कि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अल्प दृष्टि यानी कि वो कम देखता है तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे बेस्ट होगा। ऑप्शन ए, उसको श्यामपट के नजदीक बिठाएंगे, ये हो सकता है। बी है, उसको प्रतिभावान बच्चों के बीच बिठाएंगे, तो अगर ऐसे बच्चों के बीच बैठाएंगे तो कहीं ना कहीं वो ह्रास होगा। ठीक है, सी है,
वहाँ जहाँ वहाँ रोज बैठता है वहीं बैठने देंगे, और डी है उसको श्यामपाट के नज़दीक बिठाएंगे। तो ए ऑप्शन तो आ गया यहाँ, और श्यामपाट में बड़े बड़े अक्षरों का प्रयोग करेंगे। तो सबसे बेस्ट कौन है टीचिंग एप्टीट्यूड में, चारों क्वेश्चन हमको राइट लगेंगे, लेकिन उन तीनों क्वेश्चन को जो लास्ट ऑप्शन इंक्लूड कर रहा है वही वहाँ पर राइट होगा। देखो यहाँ पर क्या है, श्यामपाट में अगर श्यामपाट के नज़दीक बच्चे को बैठा दिया और उसमें ऐसे बारीक बारीक लिख रहे हैं टीचर, उसमें बारीक बारीक लिख रहा है, तो नज़दीक बिठाने का फायदा कुछ नहीं बचेगा। तो इससे अच्छा है कि श्यामपाट के नज़दीक बिठाएंगे और श्यामपाट में बड़े बड़े अक्षरों का प्रयोग करेंगे, जिससे उस बच्चे को हेल्प हो जाएगी देखने में। ठीक है, तो 165 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 166 है, बच्चों के विकास के विभिन्न पहलुओं की समझ एक शिक्षक के लिए आवश्यक है, क्योंकि इससे शिक्षक को बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप कक्षा शिक्षण करने में सहायता मिलेगी, और बी है यहाँ पे शिक्षा को बच्चों को समझने में सहायता मिलेगी, सी है ए और बी दोनों, और डी है केवल ए। तो यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा, इसलिए 166 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 167 है, यहाँ पे निम्नलिखित में से एक स्व अभिप्रेरित यानी कि सेल्फ मोटिवेटेड बच्चे के लक्षण हैं। ऑप्शन ए है यहाँ पे, वो हर कार्य करने में उत्साहित रहता है, एक्साइटमेंट होती है उस बच्चे में, ये भी हो सकता है राइट है यहाँ पे। बी है कार्य करते समय उच्च श्रेणी की ऊर्जा प्रदर्शित करता है, ये भी सही है। डांट के भय से कार्य करता है, जो सेल्फ मोटिवेटेड चाइल्ड है उसको भय किसी बात का होगा नहीं कि वो किसी से डर रहा है उसकी वजह से वो कार्य कर रहा है, नहीं। अगर वो सेल्फ मोटिवेटेड है तो उसको पता है कि मैंने ये कार्य क्यों करना है, इसके मेरे लिए क्या बेनिफिट्स हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, 1 और 2 सही है, और 3 यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। 167 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी, ए और 1 और 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168 है, आंकलन का क्या उद्देश्य होना चाहिए असिस्मेंट, ठीक है। ए है विद्यार्थियों को नई कक्षा में प्रवेश देना, बी है बच्चों की उपलब्धि स्तर को जांचना, सी है सीखने के दौरान कमियों की पहचान व निराकरण, और डी है बच्चों ने कितना प्रतिशत प्रश्न पत्र सही किया और यह देखना। देखो ए बी और डी एक ही जैसा ये ऑप्शन है, ठीक है, अलग अलग वे में पूछ रखा है लेकिन मतलब तीनों का एक ही है। तो हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा, सतत आंकलन जो हमने पढ़ा, कंटिन्यूअस असिस्मेंट, उसमें हमने पढ़ा था कि कंटिन्यूअस जो सतत आंकलन है उसमें क्या है, बच्चे को कक्षा के दौरान ही फीडबैक देना, अगर बच्चे ने कुछ अच्छा किया तो उसको प्रोत्साहन देना, और अगर बच्चे ने कुछ गलत कर रखा है तो उसकी कमियों की पहचान करना और उसका निराकरण करना, ठीक है। तो इसलिए 168 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कि आकलन का सही उद्देश्य क्या है, सीखने के दौरान कमियों की पहचान और उसका निराकरण करना ही आकलन का सही उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 169 है, यहाँ पे समान शैक्षिक अवसर इस कथन से तात्पर्य है, सभी लोगों को एक जैसी शिक्षा देना, बी सभी को समान अवसर प्रदान करना जिससे वे अपनी योग्यता के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर सके, उस 3 है यहाँ पे सभी को शिक्षा प्राप्त करने के लिए योजनाएं बताना। तो 169 है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, ठीक है। समान शैक्षिक अवसर का मतलब होता है कि सभी को समान अपॉर्चुनिटी प्रदान करना और जिससे वो अपनी योग्यताओं के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर सके। क्वेश्चन नंबर 170 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सत्य है, ए है उत्तम शिक्षण वह है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों एक्टिव या क्रियाशील रहते हैं, बी है शिक्षण का अर्थ है कि विद्यार्थियों को अधिक से अधिक जानकारी देना, और सी है शिक्षण का अर्थ श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करना, और डी है शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी शिक्षक के विचारों को प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, चारों क्वेश्चन ऑप्शन जो है ये राइट है दोस्तों, ठीक है, लेकिन हमने चूज कौन करना है जो सबसे बेस्ट होगा। तो सबसे बेस्ट कौन है, जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट दोनों क्या है, एक्टिव है, क्रियाशील है, तो वही राइट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए 170 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 171 की ओर बढ़ते हैं, विद्यार्थियों में नैतिक गुणों का विकास तब हो सकता है जब शिक्षक नैतिक गुणों से संबंधित कहानियां सुनाए, बी है स्वयं नैतिक गुणों का अनुकरण करें व विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करें,
सी है यहाँ पे समय समय पर विद्यार्थियों को नैतिक गुणों पर सामग्री एकत्रित करने के लिए कहें, और डी है आध्यात्मिक विषय पर शिक्षक बच्चों से बातचीत करें। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन बी। देखो ए है शिक्षक नैतिक गुणों से संबंधित कहानियां सुनाएं। एक टीचर है, ठीक है, उदाहरण के लेते हैं एक टीचर है, वो क्लास में बच्चों को कह रहा है कि बच्चों धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, कभी भी धूम्रपान नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ये तो बता रहा है, बड़े बड़े लोगों की कहानी सुना रहा है, लेकिन कक्षा के बाहर जाते ही वो स्वयं धूम्रपान कर रहा है, तो क्या कोई बच्चा उस टीचर पर बिलीव कर पाएगा? कभी नहीं। इससे अच्छा है कि स्वयं नैतिक गुणों का अनुकरण करे। जो टीचर कभी धूम्रपान नहीं कर रहा है वो फुल कॉन्फिडेंस से बोल सकता है कि बच्चों इस धूम्रपान करने से क्या क्या बीमारियां हो सकती है। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है, इसलिए स्वयं नैतिक गुणों का अनुकरण करें और विद्यार्थी को अभिप्रेरित करें। 171 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 172 है, यदि कोई शिक्षक अपने विषय का पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं कर पाता है तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा जो उसे करना चाहिए? ऑप्शन है ए है पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लेनी चाहिए, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 172 का। नंबर 173 है, यदि किसी शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान विद्यार्थी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो उसे क्या करना चाहिए? ये सेम क्वेश्चन रिवाइज हो रखा है दोस्तों, 2022 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखो ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को ऐसे ही उत्तर दे देना चाहिए, ये गलत है। अगर टीचर को ऐसा नहीं कि टीचर को हर क्वेश्चन के जवाब आते हों, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर बच्चों ने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो टीचर को नहीं आ रहा है तो वो फालतू उसको ऐसे बहलाने के लिए, बच्चे को बहलाने के लिए कुछ भी गलत आंसर देगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। बी है उससे डांटना, डांट तो एक टीचर बच्चे को सकता ही नहीं है। सी है उसे कहना चाहिए कि वो इसका उत्तर विस्तार में अध्ययन के बाद बताएंगे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 173 का। क्वेश्चन नंबर 174 है, यदि आपकी कक्षा में कोई विद्यार्थी अधिकतर अनुपस्थित रहता है तो आप क्या करेंगे? ए इस विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब कि आप एक अध्यापक हो, आप में ये क्षमता नहीं है बच्चे को जानने की कि बच्चा अनुपस्थित क्यों है, कारण पूछने की, कि आप सीधे प्रधानाचार्य को सूचित कर रहे हैं, तो आप एक टीचर नहीं कहलाओगे, तो ए तो हो जाएगा गलत। बी है इस ओर ध्यान नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? वो बच्चा आपके स्कूल में आपकी कक्षा में पढ़ता है तो आपको पूरा क्या है, आपको पूरा अधिकार है और आपको ये जानना ही है कि बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, आपको भी ये पूरी जिम्मेदारी है कि बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ रहा, उसको क्या प्रॉब्लम है, तो इस ओर ध्यान नहीं देंगे, ये भी गलत हो जाएगा। सी है उससे कक्षा में अनुपस्थित होने का कारण जानेंगे, और डी है उसका नाम उपस्थित पंजिका से काट देंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट आंसर कौन है दोस्तों? यदि कोई बच्चा क्लास में नहीं आ रहा है तो एक टीचर के नाते आपको उसको ये पूछना चाहिए कि आप स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो, कारण जानना चाहिए और उस कारण का निवारण भी करना चाहिए एज अ टीचर। तो 174 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175 है, विद्यालय में शिक्षक अभिभावक बैठक आयोजित करने के क्या उद्देश्य होने चाहिए? तो क्या उद्देश्य होने चाहिए दोस्तों? बच्चे के सबल एवं कमजोर पक्षों के विषय में चर्चा करना, यही उद्देश्य होने चाहिए पेरेंट्स और टीचर की मीटिंग के, ठीक है। 176 है, एक अच्छे शिक्षक को विद्यार्थियों द्वारा किए गए कक्षा कार्य को कैसे जांचना चाहिए? तो कैसे जांचना चाहिए? ए कक्षा कार्य पूर्ण होने के एक सप्ताह के भीतर, बी है जब शिक्षक के पास समय हो तब, ये तो हो ही नहीं सकता, सी है कार्य के पूर्ण होने के तुरंत बाद जिसमें शिक्षक के हस्ताक्षर हों, और डी है यहाँ पे कार्य के पूर्ण होने के तुरंत बाद, ये भी यहाँ आ गया तुरंत बाद, जिसमें कार्य के संदर्भ में त्रुटियों एवं सुधार का उल्लेख हो, तो ये सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा 176 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 177 है, शिक्षक व्यवहार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए है शिक्षक व्यवहार विश्वसनीय होता है, ये भी सही है। बी है शिक्षक व्यवहार
निश्चित होता है, नहीं, शिक्षक व्यवहार जो होता है दोस्तों वो अनिश्चित होता है, ठीक है, निश्चित नहीं होता है। तो 177 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये सही नहीं है और ये तीनों क्या है यहाँ पे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 178 है, एक अध्यापक को शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान अवश्य होना चाहिए ताकि वह शिक्षा के उद्देश्यों को समझ सके। बी है उचित शिक्षण विधियों का विकास कर सके, सी है उचित विषय वस्तु का चयन कर सके और डी है मूल्यांकन की सही विधियां अपना सके। सभी सही हैं, लेकिन अगर जो एक अध्यापक है उसको शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो उचित शिक्षण विधियों का विकास कर सके, ठीक है। तो 178 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 179 है, बच्चे के अवांछनीय संवेगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार सबसे कम प्रभावी होगा। ए बच्चे में सुरक्षा भाव भरना संवेग पूछा है तो ये सही हो जाएगा। बी है अपने संवेगों से मुकाबला करने के लिए उसमें कुछ योग्यताएं पैदा करना, ये भी सही है। सी है बच्चे को दंड देना, यहाँ पे गलत हो जाएगा, तथा कहना कि वह ऐसा कार्य दोबारा ना करें जो अच्छा नहीं है। तो मैंने कहा ना कि बच्चे को एक टीचर कभी दंड नहीं दे सकता, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180 है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन गृह कार्य के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, 180 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 181 है, बच्चों के व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण करते समय शिक्षकों को किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो 181 के आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, तो 181 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ये सभी क्या है यहाँ पे सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 182 है दोस्तों, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। एक विद्वान को अपना विषय तैयार करने और कक्षा में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो चाहे कोई कितना भी विद्वान टीचर है, अगर वो क्लास में जा रहा है तो उसको तैयारी तो करनी ही पड़ती है। बी है अनुभवी अध्यापकों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि कक्षा में, ये और एक जैसा है तो ये भी गलत हो जाएगा। सी है अध्यापक को अनुभव का विचार किए बिना कक्षा में हर बार जाने से पहले तैयारी करने की आवश्यकता है, तो ये सही हो जाएगा। चाहे कोई कितना भी विद्वान है दोस्तों, उसको लेसन प्लान या कक्षा में जाने से पहले अपनी तैयारी करनी पड़ती है कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, कितना कवर करना है। और डी है एक कुशल अध्यापक बिना किसी तैयारी के कक्षा में काम चला सकता है, तो ये तीनों क्या है एक जैसे हैं, तो तीनों गलत हैं और 182 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 183 है, निम्नलिखित की समीक्षा कीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कथन और इसका कारण क्या है। कक्षा के अध्यापन कार्य में तरह तरह की युक्तियाँ सम्मिलित होनी चाहिए, ये कथन बिल्कुल सही है। इसका कारण क्या है, छात्रों की अधिगम शैली में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। तो प्रत्येक इंडिविजुअल इंसान है, प्रत्येक में क्या है अपनी विभिन्नताएं हैं, ठीक है। तो 183 का ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो ए का सही कारण है, तो 183 का ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 184 है, एक अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है, यदि दूसरों के विचार आपके विचारों के विपरीत हों तो भी उन्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए, वह उनके भावात्मक विकास का ध्यान रख रहा है। तो 184 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185 है, शिक्षक छात्रों में समस्या सुलझाने तथा तार्किक योग्यताओं का विकास निम्नलिखित के द्वारा कर सकते हैं। तो कब कर सकते हैं दोस्तों, जब वो एक कहानी टाइप की सुना रहे हैं तो बच्चा ना ही इंटरेस्ट लेगा ना ही उसको कुछ समझ आएगा। अगर टीचर बच्चे को प्रश्न पूछते समय अगर मगर दृष्टिकोण पर बल देता है तो ये समस्या सुलझा सकता है और तार्किक योग्यताओं का भी विकास होगा। तो इसलिए 185 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 186 है, यहाँ पे बालकों को परिश्रम करने के लिए प्रेरित करने का सर्वोत्तम उपाय है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, तो 186 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वयं परिश्रम किया जाए जिसे देकर बालक स्वतः प्रेरित होंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 187 है दोस्तों, शिक्षण में छात्रों की सर्वाधिक भागीदारी संभव है।
तो यहाँ पे ए है व्याख्यान विधि, जो ये लेक्चर मेथड है ये सबसे पुराना मेथड है, ठीक है, तो यहाँ पे ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा है चर्चा विधि, अगर टीचर और बच्चा आपस में चर्चा कर रहा है तो सबसे बेस्ट शिक्षण होगा, ठीक है, पुस्तक भी नहीं ये भी नहीं, तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे ह्यूरिस्टिक विधि, खोज विधि जिसको बोलते हैं, जिसमें बच्चा क्या है लर्निंग बाय डूइंग, वो खुद करके सीखे, वहाँ पे शिक्षण सबसे अच्छा होगा। तो 187 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी चर्चा विधि। क्वेश्चन नंबर 188 है यहाँ पे, शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों से कैसा संबंध रखना चाहते हैं, तो एक मित्रवत इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 189 है, यदि पीछे बैठने वाले छात्र सदैव बातचीत में ही व्यस्त रहते हैं तो अध्यापक को चाहिए कि वह उन्हें जो कुछ भी वो कर रहे हैं करने दें, ये बिल्कुल भी नहीं, उन्हें दंड देना, उन्हें आगे बैठाएं और उन पर नज़र रखें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 189 का। 90 है, अधिकांश छात्र उन शिक्षकों से पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं जो, यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, तो जो छात्रों की समस्याएं हल करने में रुचि रखते हों, तो 190 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कि जो स्टूडेंट है उनका फेवरेट टीचर वही होगा जो उनकी समस्याओं को सुने और उनका निवारण करने का प्रयास करे, ठीक है, उसमें जो रुचि रखता है वही उनका बेस्ट टीचर होता है। क्वेश्चन नंबर 191 है, विद्यार्थी अध्यापक का सर्वाधिक आदर करेंगे यदि, 191 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यदि जो टीचर है वो अपने कार्य के प्रति निष्ठावान हो तभी एक स्टूडेंट अपने टीचर का आदर करता है। क्वेश्चन नंबर 192 है, यहाँ पे अध्यापन प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को चाहिए कि यह है यहाँ पे वह अपने विद्यार्थियों के वर्तमानता भूत के विषय में जाने, बी है वह विद्यार्थियों के मस्तिष्क में काम कर रहे वातावरण के विचलन से विज्ञ हों, और सी है वह अपने विद्यार्थियों की जिज्ञासा का उजागर करने में सक्षम हो, तो यहाँ पे ये तीनों राइट आंसर हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा 192 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 193 है, यहाँ पे शिक्षण का पहला चरण है, तो शिक्षण का पहला चरण क्या है, पहले से योजना बनाना ही शिक्षण का क्या है, पहला चरण है, तो 193 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 194 है, कल्पना कीजिए कि आप एक महत्वाकांक्षी अध्यापक हैं, आप कक्षा अध्यापन के विषय में अत्यंत ऊंचा आदर्श रखते हैं किंतु आपका कठिन परिश्रम कारगर नहीं होता, इस समस्या के पीछे कारण हो सकता है कि ए है आपके शिक्षण का स्तर विद्यार्थियों की क्षमता से अधिक ऊंचा है, ये भी हो सकता है कि अपने आप में तो हम समझ रहे हम बहुत टैलेंटेड है लेकिन हमको पढ़ाना है कक्षा 5 के विद्यार्थियों को, और अगर 5 के विद्यार्थियों को पढ़ाना है तक पढ़ाना है कक्षा 5 के विद्यार्थियों तक हमको पढ़ाना है, हो सकता है कि हमारा जो शिक्षण स्तर है वो उन विद्यार्थियों की क्षमता से अधिक ऊंचा हो और उनको तो कुछ समझ में आएगा ही नहीं। बी है यहाँ पे छात्रों के मध्य जो व्यक्तिगत भिन्नता है वह आपके प्रयास को नष्ट कर देती है, तो ये भी हो सकता है, तो इसलिए 194 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 195 है, सीखने का समुचित तात्पर्य है, तो सीखने का समुचित तात्पर्य है व्यवहार में परिवर्तन, और एक साइकोलॉजिस्ट थे जेपी गिलफोर्ड, इन्होंने भी अधिगम की एक परिभाषा दी थी जिसमें उन्होंने कहा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम या सीखना है। क्वेश्चन नंबर 196 है, यहाँ पे कक्षा शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स के उपयोग का सबसे बड़ा लाभ है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, तो 196 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और कौन कौन से श्रव्य दृश्य सामग्री, जैसे टेलीविजन हो गया, वीडियो, कंप्यूटर, इसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं जिससे हमारा सीखना सरल और रोचक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 197 है, शिक्षक को आशावादी क्यों होना चाहिए, तो शिक्षक को आशावादी इसलिए होना चाहिए कि वो अपने छात्रों को भी आशावादी बना सके। क्वेश्चन नंबर 198 है, शरारती छात्रों के साथ शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए, तो विनम्र किंतु दृढ़ होना चाहिए किसी भी शिक्षक का व्यवहार छात्रों के साथ। क्वेश्चन नंबर 199 है, कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर करती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, शिक्षक की व्यावसायिक
निपुणता पर कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर करती है। और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, यदि छात्रों का शैक्षिक रिकॉर्ड अत्यधिक उत्तम है तो शिक्षक को निम्नलिखित कार्य करने की आवश्यकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, छात्रों को स्वयं तैयार करने के पर्याप्त अवसर दें तथा उन्हें स्वनिर्देशित होने दें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आती है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर YouTube चैनल में नए आए हो तो YouTube चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।